सूरत के बाहर इतना सुकून भरा प्लेस तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा, और यहाँ की एक खासियत है जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, स्पेशली फॉर बॉयज। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ चबेरी बीच सूरत में। वैसे सूरत में दो बीच ज़्यादा पॉपुलर है कि एक है डुमस बीच और दूसरा उभराट और सुवाली बीच। मैंने भी इतना सुना नहीं, लेकिन मैं भी गया नहीं हूँ, तो आज चलो वहाँ जाते हैं। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त विकास और अपनी मोहिनी, तो चलो बाइक पे राइड पे चलते। तो मैंने सडनली गूगल पे सर्च किया कि 100 किलोमीटर के अंदर सूरत में कुछ ऐसी जगह हो जहाँ जाना चाहिए। तो इस बीच के बारे में मैंने देखा गूगल पे, काफ़ी फ़ोटोज़ भी अपलोड किए हुए थे, एक दो वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे देखे। तो चलो यार, मैं दो दो तीन जगह पे तो घूम चुका हूँ सूरत में, जैसे कि ये सुवाली बीच हुआ, उभराट बीच हुआ, और अपना डुमस जो सब सूरतियों का फेमस है। तो चलो, मुझे अजीब सा लगा कि चलो इस बारे में भी देखते हैं। लोग काफ़ी पॉपुलर नहीं है, जैसे जिस तरह से डुमस बीच पॉपुलर, उस तरह से पॉपुलर तो नहीं है, फिर भी एक बार देखते हैं क्या है कैसा है। तो हम निकल पड़े और वहाँ जाके ही पता चलेगा कि कैसा है क्या है। और अगर आपको इस लोकेशन के बारे में पता ना हो, तो मैं दबेरी बीच का लोकेशन गूगल मैप से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो फ़िलहाल मैं हूं, निकल पड़ा हूं हजीरा रोड पे। हजीरा रोड के ऊपर हैं हम। फर्स्ट वन जो पहले, अगर आप पिपलोद साइड से आते हो तो पहले फर्स्ट वन ब्रिज निकाल के इसे आगे आए हो। अभी हमने वो मेन हाईवे से लेफ्ट में लेके उस बीच के रास्ते में ले लिया है। काफ़ी सुनसान एरिया सा लग रहा है, बाकी लग तो रहा है जैसे बोर्ड में मैंने दो तीन गांव के नाम पढ़े हैं, तो आई थिंक सो कि आगे चल के मुझे एक दो गांव दिखाई दे। बाकी जिस तरह से रोड पे कोई बाइक या कोई व्हीकल नहीं आ रहा, तो मुझे हिसाब से तो लग रहा है कि थोड़ा सुनसान एरिया है, इसी वजह से यहाँ कोई जाता नहीं। बट मैंने सोचा है चल एडवेंचरिस हो जाए कि क्या है कैसा है देख लेते हैं। तो वैसे हम निकल तो पड़े हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है कि रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। चलो, यहाँ तक तो अपना सफ़र काफ़ी अच्छा था, रोड काफ़ी अच्छी थी और कुछ ट्रैफिक भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी अब का जो बीच साइड जो जाने का रास्ता है भाई, बहुत ही गंदा है, बहुत ही ख़राब। अभी सडनली मैंने मैप में देखा तो यहाँ से, ओ भाई क्या यार, ये डांसिंग कार है क्या शायद, क्या पता डांसिंग कार लग रही है, जाने दो उन लोगों को भाई। काफ़ी दिक्कत हुई यार, करीबन करीबन दो से जाने दो 5 या 6 किलोमीटर रास्ता इतना ख़राब था, ड्राइविंग करने से हाथ पूरे लाल लाल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा माने एक नंबर है। जैसे सूरत का डुमस बीच है, सुवाली बीच है, उस तरह से ये फेमस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी अंदर की साइड का प्लेस है, तो इतना फेमस नहीं है, उसकी वजह से लोग भी काफ़ी नहीं है। बाकी यहाँ देखें तो एक नंबर नज़ारा है भाई, एक नंबर। एक बार अगर खुद फैमिली के साथ तो नहीं बता सकता, बाकी अगर तुम लोगों को बॉयस बॉयस हो तो उनका पार्टी करना हो या उस हिसाब से आना हो, तो यहाँ पर फुल प्राइवेसी है, सब पार्टी वार्टी कर रहे हैं, और नज़ारा तो यार एक नंबर है फोटोग्राफी करने के लिए, एक नंबर प्लेस है। ये देखो मेरे पीछे,
जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, तो बॉयज पार्टी करनी हो तो एक बार इस बीच पे आना, तुम्हारे लिए फुल सामान यहाँ पे अवेलेबल होगा, फुल धमाल करोगे।